महाराष्ट्र में कोरोना की डरावनी रफ्तार। वसई विरार में भी तेजी से बढ़ रहे हैं आंकड़े। एक्सपर्ट दे चुके हैं तीसरी लहर की चेतावनी, या कहें या आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। ऐसे में अगर आप संक्रमित है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, और अगर आपको इलाज के दौरान होने वाले खर्च की चिंता सता रही है तो बेफिक्र रहिए। नालासोपारा पूल के सीएनसी अस्पताल में नहीं लिया जाएगा बेड चार्ज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल सीएनसी अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा ने मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा, इनका ये मानना है कि पिछले कुछ सालों से कोरोना काल के चलते लोगों को लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते ये सबसे जरूरी है कि लोगों के इलाज के दौरान उनके जेब पर किसी तरह का और भार न पड़े। इसीलिए उन्होंने अपने अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ साथ बेड चार्जेस बिल्कुल मुफ्त किया है, ताकि लोगों को और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कोरोना काल में काफी सारे लोगों का हमने मदद किया, काफी सारे लोगों का इलाज किया। आज आम जनता के सहयोग और प्यार की वजह से हमने 3 साल पूरे किए हैं। हम सीएनसी हॉस्पिटल आगे भी सेवा देने के लिए ऐसे ही तत्पर रहेंगे। जैसे आपको पता ही होगा, कोरोना की 3rd लेयर आ चुकी है, तो हमारा हॉस्पिटल उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना पेशेंट के लिए हमने बेड चार्ज हम हॉस्पिटल में हमारे नहीं लिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब सीएनसी अस्पताल ने मरीजों और पीड़ितों की सेवा को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के मद्देनजर रखते हुए सीएनसी अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्याओं की 10वीं क्लास तक की शिक्षा का खर्च भी अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाया जाता है, और इसके साथ साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि मरीजों के इलाज का खर्च कम से कम आए। सिंधुताई सकपाल को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, सीएनसी हॉस्पिटल में अगर कोई बेटी पैदा होती है, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, तो उनका एजुकेशन का खर्चा सीएनसी उठाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ पे जो भी लड़की पैदा होती है उसको हम यहाँ पे शिक्षा मुफ्त में देंगे, और उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक लड़की को हम पढ़ा रहे हैं। एक लड़की अगर शिक्षित होती है, उसकी आने वाली पीढ़ी भी वो शिक्षित करा सकती है, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हम किसी को शिक्षा दे पाएंगे। सीएनसी हॉस्पिटल में पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी महिला डिलीवर होती है, और अगर उसको बेटी होती है, तो उस बेटी का पहली से 10वीं तक का सारा एजुकेशन का खर्चा सीएनसी हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी लेगा। इस बात का मुझे बहुत गर्व है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और सीएनसी हॉस्पिटल महिलाओं की तरफ, बेटियों की तरफ इतना बड़ा कदम उठा रहा है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है। हमारी कोशिश ये है कि एक गरीब के घर में एक शिक्षा का दिया जले। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और ये रूप कोरोना काल के दौरान हमने कहीं देखा भी, जब डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जानें बचाई, कोरोना संकट का डट के मुकाबला किया, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, और अब तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में एक बार फिर डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा जैसे डॉक्टरों ने कमान संभाल ली है, ताकि वो अधिक से अधिक पीड़ितों का इलाज कर सके, और पीड़ितों को इलाज में आने वाले खर्च की चिंता भी कम रहे। डॉक्टर टाइम्स डॉक्टर गौरव सिंह और डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा का उनके इस असाधारण कार्य के लिए धन्यवाद करता है, और पीड़ितों के मदद के लिए वे सदैव आगे आते रहे ऐसी कामना करता है।